आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। लेकिन मैं मरने तक प्रेम जी का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिंदगी की हद होती है प्यार की नहीं। लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद भी आपका यही सोचना है? जी दीदी, इसका मतलब इस मुद्दे में आप जीविका के साथ हैं। आपको विराट और मानवी के रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। इनकार था दीदी, लेकिन अब नहीं है। विराट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। मानवी को भूल जा। मानवी और विराट के मामले में आपसे बेहतर फैसला कौन दे सकता है? आपका फैसला क्या है दादाजी? मैं भी जीविका के साथ हूँ। मैं भी जीविका दीदी के साथ ही हूँ। मैडम, ये सामान ऊपर रख दूँ? हाँ, ऊपर रख दो। बीजी, चलिए आप आराम कर लीजिए। मैंने आपके कमरे में पूजा के फूल भी रख दिए हैं। भाई, अब क्या बात कर रहे हो? मैं किसी और मुद्दे पे बात करी और आप? बेटे, अभी तुम क्या आप भी नहीं चाहते कि विराट और मानवी का रिश्ता हो? क्या आप भी यही सोचते हो कि विराट को मानवी का साथ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे कैंसर है? मतलब अगर कल को मन के स्मृति से मुझे कैंसर हो गया तो क्या प्रेम जी से कहेंगे कि वो मुझे छोड़ दे? जीविका, क्योंकि जिंदगी की हद होती है प्यार की नहीं। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बीपी काफी लो है
और शायद ये काफी स्ट्रेस में भी हैं, इसलिए शायद इनको चक्कर आ गया होगा। और कुछ मेडिसिंस भी लिख कर दे देती हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इनको आराम और देखभाल की बहुत जरूरत है जी। और ध्यान रखिएगा कि इनको किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक तनाव ना हो, वरना माँ और बच्चे दोनों पे बुरा असर पड़ेगा। ये दवाइयाँ हैं, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। दी तो इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ उस खुशी के माहौल को एंजॉय कर रही होंगी, और मैं पागलों की तरह फोन कर रही हूँ। कोई नहीं दी, मैं आपको बाद में फोन कर लूंगी, बट आई मिस यू। जीविका को सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने जो कुछ भी कहा एक आदर्श बहू को शोभा नहीं देता। जो कुछ भी हुआ ना बेटा, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। बात यह कि जब भी मानवी की बात आती है ना, तो जीविका अपना होश और आवाज खोकर जज्बात में डूब जाती है। और फिर बीजी, प्लीज मुझे यूं शर्मिंदा मत करिए। आपको मुझसे या किसी और से माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बीजी, जीविका की हर बात से सहमत हूं। मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी गलत कहा है। जी हम सबको इस बात पे गंभीरता से सोचना चाहिए। सिर्फ एक बार विराट और मानवी के रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखिए। उसे गुस्सा होने के बजाय हम दोनों को आशीर्वाद दें। और मुझे पूरा यकीन है कि आप और मेरा पूरा परिवार विराट और मानवी के रिश्ते को जरूर समझेगा। आपने देखा आज जीविका किस तरह पेश आई। हम उसे अच्छी संस्कारी लड़की समझते थे, जो परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखे, लोगों को जोड़ के रखे, बड़ों की इज्जत करे। लेकिन उसने तो हमें गलत साबित कर दिया। इस घर की बहू के लिए हम ही ने जीविका को चुना था, लेकिन आज के उसके रवैये से हमें पहली बार अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। हमें लग रहा है कि अनजाने में हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। नहीं दीदी, आपने कोई भूल नहीं की है। जीविका में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे खानदान की आदर्श बहू में होने चाहिए। लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद भी आपका यही सोचना है? जी दीदी, इसका मतलब इस मुद्दे में आप जीविका के साथ हैं। आपको विराट और मानवी के रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। इनकार था दीदी, लेकिन अब नहीं है। इतने दिनों तक मैं भी इसी असमंजस में थी कि किसका साथ दूं, पर आखिरकार मुझे लगा कि एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। विराट की खुशी मानवी के साथ है। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के लिए जो फैसला लिया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ वो दोनों समझदार हैं और वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? विराट और मानवी की वजह से आज इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ, और आप कह रही हैं कि वो समझदार हैं, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर वो समझदार नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते, तो उन्हें हमसे अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं थी।
वो आजकल के बच्चों की तरह अपनी मर्जी से शादी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए, समझदारी नहीं है तो और क्या है? फिर तो आज जीविका ने जो कुछ किया वो भी आपको समझदारी लग रही होगी। जीविका एक बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी उस बात को नजरअंदाज करके उसने इस हद तक उज्जत की कि अपने होश खोकर गिर गई। इसे आप क्या कहेंगे, समझदारी? अभी जी मैं आप लोग के लिए कॉफी और चाय का इंतजाम करवा कहता हूँ। विराट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। मानवी को भूल जा। इसी में सबकी भलाई है बेटा। जी, अगर आपको लगता है कि मेरे मानवी को भूल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मानवी खुश हो जाएगी, तो ठीक है। लेकिन बीजी, आपको ये लगता है ना कि मानवी को इतनी बड़ी बीमारी है, वो भला प्यार कैसे कर सकती है? मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बात मानने को कोई तैयार क्यों नहीं है? बीजी, जब कोई इंसान बीमार होता है ना, उसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। और यही प्यार मैं मानवी को दे रहा हूँ ताकि उसका दर्द कम हो जाए। इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। I'm sorry बीजी, मैं मानवी को नहीं भूल सकता। ऊपर वाले, तू मेरे बच्चों के साथ कैसा खेल खेल रहा है? एक की जिंदगी में खुशियां खुशियां हैं, लेकिन वो भी अपनी बहन पे निछावर करना चाहती है, और दूसरी की जिंदगी में गम ही गम। एक खुशी की किरण आई थी, वो उससे भी इनकार कर रही है। इसी चिंता में किसकी बहन की खुशियां ना छिन जाए, कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान, कैसी परीक्षा। बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। जीविका की बात का समर्थन करके एक तरह से मैंने आपके फैसले का उल्लंघन किया है। कोई बात नहीं इंदर, जरूरी नहीं कि तुम मेरे हर एक फैसले का इत्तफाक रखो। हर एक मुद्दे पर तुम्हारे और मेरे विचार अलग अलग भी तो हो सकते हैं। पहले भी तुमने हमसे पूछे बिना एक फैसला किया था, और इस बार भी पिछली बार की तरह तुम्हारे निर्णय की वजह मानवी थी, जिसने तुम्हें मेरी मर्जी के खिलाफ केस लड़ने के लिए उकसाया था। वो केस मैं लड़ा जरूर, उस केस को लड़ने के लिए जिस आत्मविश्वास की जरूरत थी वो मुझ में मानवी नहीं दिलाया। उसी ने आके मेरे हौसले को बुलंद किया ताकि वो केस में जीत सकूं। बाबूजी, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत कामयाबी हासिल की, लेकिन ये सम्मान भी के बगैर मुमकिन नहीं था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब बारी मेरी है भाजी। अब वक्त आ गया है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। Star
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।